हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय सचिन। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट इन द लास्ट लेक्चर वी हैड स्टार्टेड द फर्स्ट यूनिट ऑफ 11th फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैड स्टडीड अबाउट व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज द स्कोप एंड एक्साइटमेंट, व्हाट इज यूनिफिकेशन, व्हाट इज रिडक्शनिज्म। ऑल दीज थिंग्स वी हैड स्टडीड अर्लियर इन द लास्ट क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सम अनदर टॉपिक्स ऑफ फ्रॉम दिस यूनिट। एंड योर टुडेज टॉपिक्स आर फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। उससे पहले आज जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो जो डिस्कवरी की हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आप लोगों को इनमें से कुछ जो 10, 15, 20 जितनी भी आप लोग याद कर सकते हो उतनी आप लोगों को इनमें से लर्न कर लेनी है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा है 9th क्लास में कि फोर्स क्या होती है। फोर्स वही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश या फिर पुल। मान लो मैं मार्कर है, मार्कर को ऐसे पुल करता हूँ, मींस आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस मार्कर और इन दिस वे, देन आई कैन से दैट आई हैड एग्जर्टेड अ फोर्स ऑन दिस मार्कर। सो वी कैन से दैट फोर्स इज दैट विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो स्टेट है, मान लो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, मोशन में है, उसको अगर चेंज कर दे बाय पुशिंग और बाय पुलिंग, वो क्या है, फोर्स है हमारा। बेसिकली नेचर के अंदर हमारी फोर टाइप्स की फोर्सेस हैं। फंडामेंटल जो फोर्सेस हैं वो कितनी हैं, फोर हैं। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड फोर्थ वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहला जिसको पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और स्टूडेंट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो 9th क्लास में, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जहाँ पर आपने पढ़ा हुआ कि न्यूटन है, न्यूटन ने देखा एक एप्पल नीचे गिर रहा है, एप्पल नीचे गिरा तो क्यों गिरा, तो वो क्यों गिरा, वो जो फोर्स लगी उसके ऊपर, जो अर्थ ने उसके ऊपर एग्जर्ट की, वो क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और वी कैन से दैट इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन दैट एप्पल एंड अर्थ। ओके, एवरी टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के हर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और कौन से फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कितने भी छोटे हों, कितने भी बड़े हों, उनका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और कौन से फोर्स से करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से। और यूनिवर्स के हर एक जगह पर ये एप्लीकेबल है, इसका मतलब ये फोर्स कैसी है हमारी, यूनिवर्सल फोर्स, ठीक है। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास क्या है m2, और दोनों के जो सेंटर्स हैं ना उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, r, तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों मासेस की प्रोडक्ट के, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। मतलब इन मासेस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं इनके बीच के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये डायरेक्टली वी कैन से दैट इज की m1 m2 ओवर r स्क्वायर, और f इज इक्वल टू g m1 m2 ओवर r स्क्वायर। g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी यहाँ पर क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी कितनी वैल्यू होती है, 6.67 इंटू 10^11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। और ये क्या है हमारा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है भैया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। तो भाई जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इस यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, या तो देखो एग्जांपल्स देता हूँ मैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे गिरता है तो कौन से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरता है। मून है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है, क्यों, क्योंकि अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ है जो सन के चारों तरफ चक्कर काटती है, रिवॉल्व करती है, क्यों करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसका रीजन है। गैलेक्सीज, गैलेक्टिक्स, बहुत सारे स्टार्स फॉर्मेशन है, स्टार्स इवोल्यूशन है, ये सारी की सारी चीज़ों को हम ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से डिफाइन कर पाए हैं, ठीक है। इसीलिए इस फोर्स को यूनिवर्सल फोर्स बोला गया है। और इसकी डिस्कवरी किसने की, इसकी डिस्कवरी की न्यूटन ने। कैसे की, जब उसने एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा, क्लियर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द यूनिवर्सल फोर्स एंड इट डिपेंड्स ऑन द मासेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ज़्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का, मतलब जितने ज़्यादा वो एक तरह से भारी होंगे, उतना ही क्या होगा, या हम कहेंगे जितनी ज़्यादा उनमें क्वांटिटी ऑफ मैटर होगी, उनमें फोर्स उतना ही स्ट्रॉन्ग लगेगा, ठीक है। डिस्टेंस के साथ ये घटता है, मास ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा, जैसे अर्थ और सन है, इनका मास ज़्यादा तो इनके बीच में फोर्स ज़्यादा होगा,
और अगर उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स क्या होता चला जाएगा, वीक होता चला जाएगा। जितने दूर होंगे फोर्स क्या होगा, उतना ही कम लगेगा, और जितने पास होंगे फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। अब मेरा मास और अर्थ का मास बहुत ज्यादा डिफर करता है, मतलब मेरा मास तो एक तरह से कुछ है ही नहीं, तो फोर्स तो हमारे दोनों के बीच में भी है, मेरे और अर्थ के बीच में, बट वो हमको दिखाई नहीं, मतलब ऐसे हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स इज द रीजन सो दैट आई कैन स्टैंड इवन ऑन द अर्थ। मतलब हर एक, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कोई नीचे गिर रहा है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ग्रेविटेशनल फोर्स है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। बहुत सारे फिनोमिना हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स है ये, कहीं कुछ और समझ लो, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ठीक है, रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट्स, मून का रिवोल्यूशन अर्थ के अराउंड, सब की वजह कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने बता दिया, यूनिवर्सल फोर्स है, और भाई देखो यहाँ से ये जो हमारी डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली, इसके इन्वर्स के स्क्वेयर के, सॉरी इसकी डिस्टेंस के स्क्वेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये हमारा, इसको इन्वर्स स्क्वेयर लॉ बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? इन्वर्स स्क्वेयर लॉ। अगर कोई चीज़ किसी के इन्वर्स के स्क्वेयर के साथ चेंज होती है तो वो इन्वर्स स्क्वेयर लॉ के अंडर आती है। तो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है किसको फॉलो करता है, इन्वर्स स्क्वेयर लॉ को फॉलो करता है। दूसरा, ये सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स मतलब जो दोनों बॉडीज़ है ना, ये एक बॉडी है दूसरी बॉडी है, इन दोनों के सेंटर्स की तरफ ही लगता है हमेशा। सेंट्रल फोर्स का मतलब दोनों के सेंटर्स की तरफ ही लगेगा, फर्स्ट बॉडी के भी और सेकंड बॉडी के भी। ये हमारा वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। मैं इसकी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ भाई एक बार यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ लिख दी है। सबसे पहले ये नेचर में कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट हमेशा इस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कभी भी रिपेल नहीं करते, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है ये, रिपल्सिव नहीं है, ठीक है। दूसरे, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, नेचर के अंदर जो चार टाइप की फोर्स है हमारी, उन सब में सबसे ज़्यादा कमज़ोर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। दूसरा, ऑपरेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, मतलब लंबी डिस्टेंस तक ये क्या करती है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है। जैसे सन और अर्थ है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, 150 मिलियन, तो मतलब ज़्यादा डिस्टेंस पर ये क्या करता है, ऑपरेट करता है। मेरे और सन के बीच में भी लगती है ये, मतलब हर दो बॉडीज़ के बीच में लग रही है, चाहे कितने भी दूर हों, तो ये लंबी रेंज की फोर्स होती है, ठीक है, लॉन्ग रेंज बोल सकते हैं हम इसको, लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। ओबे इनवर्स स्क्वेयर लॉ, मैंने बताया फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। दूसरा, सेंट्रल फोर्स होते हैं, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट हैं जिनके बीच में फोर्स लगेगी, दोनों के सेंटर्स की तरफ फोर्स लगती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब कंजर्वेटिव है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में है तो है, उसको हम मतलब एक तरह से ना तो क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको कंजर्वेशन का मतलब होता है जिसको ना तो क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। तो ये फोर्स कैसी है, इसी टाइप की कंजर्वेटिव फोर्स होती है, क्लियर है। फील्ड पार्टिकल होता है इनका ग्रेविटॉन। फील्ड पार्टिकल का मतलब है ना, जो ये फोर्स लग रही है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, एक पार्टिकल के एक्सचेंज अदला बदली की वजह से लगती है, उस पार्टिकल का नाम क्या है, ग्रेविटॉन। ये बहुत ही माइक्रो लेवल पर है, जो हम बहुत ही हायर स्टडीज़ अगर तुम लोग करनी पड़ जाए तब जाकर हमको इनके बारे में स्टडी करना, अदरवाइज इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फील्ड पार्टिकल मतलब जिसके एक्सचेंज होने की वजह से फोर्स लगती है दोनों के बीच। मान लो मैं रस्सी खींच रहा हूँ, दो इंसान हैं, एक तरफ दोनों रस्सी खींच रहे हैं, तो फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, उस रस्सी की वजह से लग रहा है ना, ठीक है। तो सेम वे में यहाँ पर जो फोर्स है वो किसकी वजह से लग रहा है, किसके एक्सचेंज की वजह से लग रहा है, ग्रेविटॉन्स के। जो फील्ड पार्टिकल है उसको क्या बोला गया यहाँ पर, ग्रेविटॉन्स बोला गया, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट जो फोर्स है हमारी वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसको पढ़ते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखो, न्यूक्लियर का मतलब यहाँ पर है न्यूक्लियस से, हमको पता है ना, तुमने एटम के बारे में पढ़ा है, एटम होता है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्व करते हैं, यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अंदर होता है प्रोटोन और न्यूट्रॉन। प्रोटोन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है।
ये बात तुम 9th क्लास में पढ़ चुके हो एटम के बारे में, ठीक है। अब देखो वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसका मतलब जो ये फोर्स लगेगी कहाँ पर लगेगी, न्यूक्लियस के अंदर लगती है। किसके अंदर लगती है? न्यूक्लियस के अंदर। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, एक तो प्रोटोन है और एक न्यूट्रॉन है। तुम 12th क्लास में अल्फा बीटा और गामा डीके पढ़ोगे, अल्फा बीटा गामा डीके। ये डीके क्या होता है, डीके का मतलब है डिसइंटीग्रेशन। अभी बता देता हूँ इसका मतलब। अब इस डिसइंटीग्रेशन का क्या मतलब है, जो हमारे हायर जिनका जो एलिमेंट्स जिनका हायर मास होता है, हम कह सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर एक तरह से ग्रेटर देन 90 होता है, उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं उनको? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर इनको रख देंगे ना, ये आराम आराम से धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएंगे, ठीक है। हो सकता है वो 50 साल में हो, 1000 साल में हो, 1,00,000 साल में, बट इनमें एक प्रॉपर्टी होती है डिसइंटीग्रेट होने की, मतलब डिसइंटीग्रेट मतलब डीके मतलब ख़त्म होने की धीरे धीरे। इनमें से क्या निकलने लग जाती है? रेडिएशंस। इनमें से रेडिएशंस निकलने लग जाती है, और उन रेडिएशंस को क्या क्या नाम दिया गया? अल्फा बीटा गामा, अल्फा रे बीटा रे गामा रे, ठीक। अब इनमें से जो बीटा डीके होता है, देखो डिटेल में हम इनको 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं, हमको यहाँ पर बीटा डीके से मतलब है, क्योंकि ये वीक न्यूक्लियर फोर्स यहीं पर देखा गया था फर्स्ट टाइम बीटा डीके के टाइम पे। तो कहाँ पर ऑब्जर्व हुआ था? बीटा डीके के टाइम पर। अब इस बीटा डीके में होता क्या है, ये न्यूट्रॉन है ना, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, एक तो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन में। अब देखो भैया इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, समझ रहे हो, न्यूट्रॉन हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूमते हैं, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये न्यूक्लियस के अंदर जनरेट हुआ है। इसकी एनर्जी क्या होती है? हाई होती है, हाई एनर्जी होती है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हमारे बीटा डीके के टाइम पर निकले, उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए थी? हाई एनर्जी होनी चाहिए थी, ठीक है। कैसी एनर्जी होनी चाहिए थी? हाई एनर्जी होनी चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जो जितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बन रहे हैं ना न्यूट्रॉन के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक होने पर, सभी की एनर्जी सेम नहीं है। किसी की एनर्जी 10 है, किसी की 20 है, किसी की 30 है, किसी की 80 है, किसी की 100 है। अब अगर मैक्सिमम एनर्जी है, इसको हम एंड पॉइंट एनर्जी बोलते हैं, एंड पॉइंट एनर्जी, ये भी पढ़ोगे तुम 12th क्लास में। सभी की जो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एमिट हो रहे हैं, सभी की एनर्जी कितनी होनी चाहिए थी? एंड पॉइंट एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए थी, मतलब 100 होनी चाहिए थी। बट किसी की 10 है, किसी की 20 है, किसी की 15 है, किसी की 35 है, किसी की 70 है, ऐसी एनर्जी है। तो बाकी एनर्जी कहाँ चली गई? एनर्जी होनी चाहिए थी इतनी। तो बाद में एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, एक साइंटिस्ट थे पॉली, उन्होंने 1930 में क्या ऑब्जर्व किया, भाई ध्यान से समझना, क्या ऑब्जर्व किया, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता ना, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही हमारा क्या है? बीटा पार्टिकल है। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूट्रॉन में से ब्रेक हुआ है, यही क्या है? बीटा पार्टिकल है। तो ये बीटा पार्टिकल, पॉली ने क्या बताया, जो बीटा पार्टिकल है कभी भी अकेला नहीं निकलता, बीटा पार्टिकल कभी भी अकेला नहीं निकलता, इसके साथ एक और पार्टिकल निकलता है जिसका नाम क्या है? एंटी न्यूट्रिनो। क्या नाम है भाई जिसका? एंटी न्यूट्रिनो, क्लियर है। इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब भी न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के अंदर ब्रेक होता है, तो वो क्या फॉर्म करता है साथ में? बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो फॉर्म करता है। मतलब जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या फिर बीटा पार्टिकल निकल रहा है ना, वो अकेला नहीं निकलता, इसके साथ एक पार्टिकल जिसका नाम क्या है? एंटी न्यूट्रिनो, वो भी साथ में रिलीज होता है। अब होता क्या है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन जो ये बीटा पार्टिकल जो रिलीज हुआ, इसकी जो एनर्जी है वो 10 है, बट मैंने कहा एनर्जी 100 होनी चाहिए थी, हाई एनर्जी होनी चाहिए। तो जो 10 और 100 में कितने का डिफरेंस है? 90। तो जो ये 90 एनर्जी है ना, वो कौन कैरी करता है? वो ये
एंटी न्यूट्रिनो कैरी करता है। वो कौन कैरी करता है? एंटी न्यूट्रिनो कैरी करता है। मान लो अगर ये एनर्जी कितनी है, 30, इस पार्टिकल के, बीटा पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी है, 30 एनर्जी है, तो अब की बार कितनी एनर्जी बची, 70। तो ये 70 एनर्जी किसके पास होगी, ये 70 एनर्जी इस एंटी न्यूट्रिनो के पास होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो एनर्जी है उसको दोनों शेयर कर रहे हैं, बीटा पार्टिकल भी और एंटी न्यूट्रिनो भी, बीटा पार्टिकल भी और एंटी न्यूट्रिनो भी। यहीं पर इन दोनों के बीच में जो फैल ऑब्जर्व किया गया, कौन सा फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो भाई ये वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ ऑब्जर्व किया, स्टार्टिंग में यहीं पर बीटा पार्टिकल की जो डिसइंटीग्रेशन है, बीटा पार्टिकल का जो एमिशन है, उस टाइम पर सबसे पहले वीक न्यूक्लियर फोर्स को देखा गया। और हमेशा जो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में ही लगता है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं हमारे। ठीक, मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी कि ये बीटा पार्टिकल क्या है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स कब दिखती है, कब दिखती है, जब एक न्यूट्रॉन हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई ये हमारा ऑल अबाउट वीक न्यूक्लियर फोर्स, बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, डिटेल में 12th में पढ़ते हैं इसको। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज, अब ये 10^25 टाइम्स स्ट्रोंगर होता है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रॉन्ग होता है, 10^25 टाइम्स, मतलब वीक बेसक नाम है इसका, लेकिन 10^25 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। शॉर्ट रेंज तुम देख सकते हो भाई, ये न्यूक्लियस के अंदर ही लगेगा, न्यूक्लियस से बाहर ऑपरेट नहीं कर सकता। और जो इसके जो फील्ड पार्टिकल्स हैं, या हम कहें ये किस किस के, मीजोन के बीच में, और उन लेप्टोन, मीजोन्स के बीच में, लेप्टोन्स के बीच में भी ये फोर्स हमको देखने की मिलती है। अब ये मीजोन्स और लेप्टोन्स क्या है भाई, ये भी हमारे क्या है, ये पार्टिकल मिलते हैं कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर, जो जिनका लाइफ टाइम क्या होता है, शॉर्ट लाइफ टाइम होते हैं, मतलब ये बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। क्लियर है, इसका इतना शॉर्ट लाइफ टाइम, बनते हैं ख़त्म हो जाते हैं, मतलब बहुत ही कम टाइम इनका क्या होता है, लाइफ टाइम होता है, बहुत ही कम टाइम तक। ठीक, ये हमको कहाँ पर मिलते हैं, ये मिलते हैं हमको न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर है ना, ठीक है, मेरे ख्याल से भी ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं हमारी नेक्स्ट फोर्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट फोर्स इज, नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो भाई, ये जो फोर्स लगती है वो हमारी लगती है चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में, चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में हमारी फोर्स लगती है। ठीक है, वो चार्ज पार्टिकल हमारा रेस्ट पर भी हो सकता है और वो मोशन में भी हो सकता है। अगर चार्ज पार्टिकल हमारा रेस्ट पे है तो उस फोर्स को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर चार्ज मूव करने लग जाता है तो वो क्या जनरेट करता है, वो जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड। ये तुमने पढ़ लिया भाई, और डिटेल में पढ़ोगे तुम इसके बारे में 12th क्लास में, कि जब चार्ज मोशन में होता हो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, तो जो भाई चार्ज है ना वो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को जनरेट करता है, इसीलिए कलेक्टिवली इस फोर्स को क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखो, सपोज करो हमारे पास दो चार्ज ऑब्जेक्ट है, एक के ऊपर Q1 चार्ज है, दूसरे के ऊपर Q2 चार्ज है। ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है r, दोनों के सेंटर के बीच में। तो जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था ना मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज की प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और इसको हटाने के लिए हमें कॉन्स्टेंट यूज करते हैं 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, इसका नाम है एप्साइलन। ठीक है ना, तो भाई ये जो फोर्स होता है दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है।
अगर हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करें तो होती है 8.85 इंटू 10^-12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है और इसका नाम क्या है भाई, परमिटिविटी, परमिटिविटी या कहें एब्सोल्यूट परमिटिविटी। डिटेल में पढ़ना है तुमको प्लस टू क्लास की फर्स्ट यूनिट में इसके अंदर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में ये क्या हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है। हमारे कई टाइप के फोर्स है, जैसे हमारा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स है, या फिर हम जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कोई तार है उसमें जो खिंचाव है, टेंशन है, ठीक, इन फोर्सेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। इन फोर्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो फोर्स है दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में होती है, इसीलिए ये ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ऑपरेट नहीं करती, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ये ऑपरेट नहीं करती। अब यहाँ पर एक बात और देख सकते हो तुम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये फोर्स कैसी है, इनवर्स स्क्वेयर लॉ को ओबे करती है, हमेशा सेंटर की तरफ लगती है। इसका मतलब ये कैसी है, सेंट्रल फोर्स भी है और ये कंजर्वेटिव फोर्स भी है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब अगर दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स है तो है, उसको हम नहीं ख़त्म कर सकते, ना ही उसको बढ़ा सकते, वो जितनी है उतनी ही रहेगी, बस किसके साथ चेंज हो जाएगी, डिस्टेंस के साथ चेंज हो जाएगी और उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, मतलब चार्ज बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स घट जाएगी, क्योंकि ये इनवर्स का रिलेशन है या डायरेक्ट का रिलेशन है। डायरेक्ट मतलब अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, इनवर्स मतलब अगर ये बढ़ा तो ये घटा, ठीक है। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज राइट कर देता हूँ यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्सेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज राइट डाउन कर दी हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं या रिपल्सिव भी हो सकती है, और ये चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी हमारी जो चार्ज मैंने माने थे Q1 और Q2 उनके ऊपर। चार्ज हमारे दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, चार्ज हमारे दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और चार्ज एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव भी हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना भाई, अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हैं आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव होगी। दो पॉजिटिव चार्ज हैं वो भी आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो इस केस में भी फोर्स कैसी होगी हमारी, रिपल्सिव होगी। बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो इस केस में फोर्स क्या होगी हमारी, अट्रैक्टिव होगी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो रिपल्सिव भी हो सकती है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा चार्जेस के नेचर पर कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं या दोनों चार्जेस अपोजिट साइन के हैं, मतलब एक पॉजिटिव है या फिर एक नेगेटिव है। सेकेंड इज डिफाइंड बाय कूलम्स लॉ। अब जो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा था ना, एफ इज इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर, ये है भाई हमारा कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम एक साइंटिस्ट थे, उसने इस फोर्स को डिफाइन किया था। अब ये तुम 12th क्लास में पढ़ने वाले हो फर्स्ट यूनिट के अंदर, अगर आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना है तो मैंने वीडियो बना रखी है कूलम्स लॉ के ऊपर, आप लोग उसको जाकर देख सकते हो, ठीक है। और जो ये 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट है ना, के, इसको के रखते हैं या फिर हम इसको ऐसे रखते हैं, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। यहाँ पर ये क्या है, के है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। के क्या है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। अब भाई इनवर्स स्क्वेयर लॉ को ये फॉलो करते मैं बता चुका हूँ, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस, मतलब दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली, उसके स्क्वेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। 10^36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन भी कुछ कुछ ऐसा ही है ना, Gm1m2/r2। ये जो फोर्स है इससे 10^36 टाइम्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पर चार्जेस है, यहाँ पर मास है, डिस्टेंस सेम, मतलब एक तरह से दोनों में एनालॉगी है, सेम सेम है।
ऑपरेट ओवर स्मॉल डिस्टेंसेज, ये हमारा लंबी दूरी तक फोर्स था, काम करता था ग्रेविटेशनल फोर्स, बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये हमारा लंबी दूरी तक ऑपरेट नहीं करता है। ठीक है, देखो ये हमारा रेस्ट पर चार्ज है, इसीलिए फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे कम डिस्टेंस पर काम करते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं, क्यों, क्योंकि जो फोर्स है दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है भाई, और फील्ड पार्टिकल क्या है इनका, फोटोन है। फोटोन भाई एक हमारा, जैसे जो लाइट है ना, लाइट बल्ब या फिर सन से लाइट आती है, वो एक्चुअल में छोटे छोटे उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, जिनको क्या बोला गया, फोटोन। क्या बोला गया उनको, फोटोन। आगे पढ़ोगे आप लोग इसको, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आएगा 12th क्लास में फोटोन। फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और उसका रेस्ट मास क्या होता है, जीरो। रेस्ट मास का मतलब अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो उसका जो मास है वो क्या होता है, जीरो होता है। रेस्ट मास क्या होता है इसका, जीरो होता है। और फील्ड पार्टिकल मतलब जिसके एक्सचेंज की वजह से दोनों के बीच में फोर्स लगती है, वो पार्टिकल कौन सा है, वो पार्टिकल है हमारा फोटोन। क्लियर है, मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, अब एक पॉइंट और रह गया इसमें, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कैसी होती है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव मतलब अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में है तो है, ठीक है ना, तो मैं उसको खत्म कर सकता, ना वो किसी से बनाई जा सकती है, ना तो क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती। इस फोर्सेस के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन लॉज, उसमें तुम्हें कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव इसका मतलब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कंजर्वेटिव का मतलब बेसिकली है भाई जिसको ना तो क्रिएट किया जा सकता ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता, वो चीज़ क्या रहती है, कंजर्व रहती है, सुरक्षित रहती है, एक तरह से संरक्षण। ठीक है, चलते हैं हमारी नेक्स्ट फोर्स की तरफ, और नेक्स्ट फोर्स कौन सी, हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्टूडेंट्स, आर फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, मतलब नेचर के अंदर जो चारों टाइप की फोर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी फोर्स है, उनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो होता क्या है, हमें पता है भाई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जो न्यूक्लियर फोर्स है इसका मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर ही लगेगी, तो ये दो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगती है, दो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगती है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन इनके बीच में ये फोर्स लगती है। और जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं इनको, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो फोर्स है किसके बीच में लगती है, दो न्यूक्लियॉन के बीच में, वो दोनों प्रोटॉन भी हो सकते हैं, वो दोनों न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, और उनमें से एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करना चाहिए, रिपेल करना चाहिए। मतलब मैंने बताया था ना, अगर दो के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है पिछले में बताया मैंने, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इनके बीच में तो रिपल्शन की फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो फिर ये एक दूसरे को, मतलब इनमें ये न्यूक्लियर फोर्स कैसी लगेगी। जो न्यूक्लियर फोर्स होती है ना, बेसिकली इन दोनों को आपस में बांधे रखती है। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन सारे पॉजिटिव चार्ज है और सारे प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, फिर भी वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों रहते हैं। अब वैसे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को दूर धकेलने चाहिए, लेकिन फिर भी न्यूक्लियस के अंदर है, कौन सी फोर्स की वजह से है, वो हमारा न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से है। उन प्रोटॉन्स के बीच में, न्यूट्रॉन्स के बीच में, उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच में कौन सी फोर्स एक्ट करती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उनके बीच में एक्ट करती है। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। ठीक है, अच्छा, अब जो न्यूक्लियर फोर्स है, अगर हमारी डिस्टेंस हो जाए 10^-15 से कम, या हम कहें दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, अगर इतनी डिस्टेंस के ऊपर, मतलब इन दोनों के बीच में इतनी डिस्टेंस है 10^-15 meters, तब वहाँ पर जो फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो इस वाले फोर्स से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 10 times स्ट्रॉन्गर होती है। कितनी होती है, 10 times क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब अगर मैं मान लेता हूँ ये दो मार्कर है मेरे, ये दोनों प्रोटॉन्स हैं, ये इतने क्लोज हैं, मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी है 10^-15 है दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है जो तुम लोग देख पा रहे हो। ठीक है, अब अगर इतनी डिस्टेंस है ना, तो वैसे तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों ही दूसरे को रिपेल करना चाहिए था ऐसे, बट इनके बीच में दूसरी फोर्स कौन सी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इस फोर्स के से वो 10 times ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, कौन सी फोर्स से 10 times ज़्यादा, जो ये इनको ऐसे धकेल रही है ना एक दूसरे से, उससे 10 times ज़्यादा फोर्स इनको एक दूसरे के क्लोज लेकर आ रही है,
वही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अगर ये सेपरेशन अभी तो कितने 10^-15 है, 10^-15 होता है 1 फर्मी के इक्वल, FERMI 1 फर्मी। तो ये डिस्टेंस जो 10^-15 है वो कितने है, यहाँ पर 1 फर्मी है। 1 फर्मी की डिस्टेंस अगर उनके बीच में है तो जो फोर्स है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। अगर ये डिस्टेंस मैं इन दोनों के बीच में बढ़ा देता हूँ, अब हो गई मान लो ये डिस्टेंस हो गई हमारी 15 फर्मी, कितनी हो गई 15 फर्मी। इतनी डिस्टेंस पर ये फोर्स बहुत ही क्या बढ़ जाती है, वीक हो जाती है। ठीक, तो जो भाई हमारी ये फोर्स है कौन सी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके लिए जो न्यूक्लियॉन्स है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनको आपस में बहुत ही क्लोज होना पड़ेगा, तब जाकर हमारी कौन सी फोर्स एक्ट करती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है। ख्याल से भाई ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि जो न्यूक्लियर फोर्स है कहाँ लगती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज है भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। अच्छा एक बात और, जो ये फोर्स हमारी न्यूक्लियर फिजन है, फ्यूजन है, एक तो फिजन प्रोसेस है तुमने 10th में पढ़ा होगा थोड़ा सा, एक फ्यूजन है, ये 12th में आएंगी तुम्हारी, दोनों न्यूक्लियस से रिलेटेड प्रोसेस हैं, दोनों के दोनों वहाँ पर ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही एक्ट करता है वहाँ पर। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, नेचर के अंदर इससे ज़्यादा कोई भी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। ये 10^38 times स्ट्रॉन्गर होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। 10^2 times स्ट्रॉन्ग होता है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। और 10^13 times स्ट्रॉन्ग किससे होता है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, मैंने बता दिया ना भाई, अगर 10^-15 meter डिस्टेंस है और ये होती है 1 फर्मी के इक्वल, अगर इतनी डिस्टेंस है तो फोर्स क्या है, इन दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगेगी। अगर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा देंगे फोर्स क्या होती चली जाएगी, वीक होती चली जाएगी। और हमेशा ये फोर्स कैसी होती है, देखो भाई अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। अगर मैं बहुत 1 फर्मी से भी डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा ना, तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये रिपेल करने लग जाएंगे दोनों आपस में। तो ये एक सर्टेन डिस्टेंस तक अट्रैक्टिव है और कम करेंगे तो रिपल्सिव है। ठीक है, अच्छा शॉर्ट रेंज फोर्स होती है सिर्फ 10^-14 meter, इतनी डिस्टेंस तक ये ऑपरेट करती है। दूसरा, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि इसके ऊपर भी पॉजिटिव है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव है, या इन दोनों के ऊपर चार्ज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। इनवर्स केरला को फॉलो नहीं करती, मतलब जो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर था ना, उसको ये फॉलो नहीं करती। यहाँ पर R की पावर 5 भी हो सकता है, R की पावर 7 भी हो सकता है, R की पावर 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट R स्क्वायर नहीं होता, इसका मतलब ये इनवर्स केरला को फॉलो नहीं करती। बेसिकली अट्रैक्टिव होती है, बेसिकली क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है। और मैंने बताया भाई, अगर मैं ज़्यादा क्लोज कर दूंगा तो रिपल्सिव भी हो जाती है। तो अगर डिस्टेंस लेस देन 0.5 फर्मी है, मतलब मान लो ये 1 फर्मी की डिस्टेंस थी, अगर मैं इससे और क्लोज लेकर आ जाता हूँ तो फोर्स क्या हो जाती है हमारी, रिपल्सिव हो जाती है। फोर्स क्या हो जाती है उस केस में, रिपल्सिव, मतलब अब दोनों एक दूसरे को क्या करने लग जाते हैं, रिपेल करने लग जाते हैं। नॉन सेंट्रल होती है, मतलब दोनों के सेंटर्स के बीच में नहीं लगती। नॉन कंजर्वेटिव होती है, कैसी होती है, नॉन कंजर्वेटिव। और फील्ड पार्टिकल इनका क्या होता है, पाई मीजोन। ये मीजोन्स क्या है भाई, मीजोन्स के अंदर ही हमको मिलता है मीजोन। ठीक है, पायोन्स, कायोन्स, लेप्टोन्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें ना, आप न्यूक्लियर फिजिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स के अलग से, न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके अंदर उसको डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पर हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो फील्ड पार्टिकल है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का वो क्या है, पाई मीजोन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। तो स्टूडेंट्स, जो चारों टाइप की फोर्स है उसको आज हमने स्टडी कर लिया है। अगर आप लोगों को इनमें से कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, देन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, एंड यू कैन मैसेज मी और यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक, कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द चैनल।